हरे कृष्णा। भगवद गीता के 16वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है देव असुर साधन विभाग योग, यानी देवी और असुरी स्वभाव। तो जैसे कि हमने देखा, 14वें अध्याय में भगवान ने बताया प्रकृति के 3 गुणों के बारे में, और भगवान ने ये भी बताया कि किस प्रकार प्रकृति के 3 गुण होते हैं और किस प्रकार हमें बांधते हैं और किस तरह उनसे मुक्त होना है, ये भी भगवान बताते हैं उसमें। फिर 15वें अध्याय में भगवान ने बताया कि जो 3 गुणों से मुक्त हो जाता है उसकी क्या गति होती है। न तद् भाषयते सूर्य, न शशांको, न पावक, यद् गत्वा न निवर्तन्ते, तद् धाम परमं मम। तो जो 3 गुणों से ऊपर उठ जाएगा वो कहाँ जाता है, भगवान के धाम में। ठीक है, तो भगवान ने बताया अपने धाम के बारे में 15वें अध्याय में। अभी जो 16वां अध्याय है उसमें भगवान बताने वाले हैं दैवी और आसुरी गुणों के बारे में। तो आप सबने सुना होगा हमारे अंदर एक देवता भी होता है और हमारे अंदर एक असुर राक्षस भी होता है। तो वही इसमें भगवान बता रहे हैं, हमारे अंदर दोनों गुण होते हैं, दैवी गुण भी होते हैं और असुरी गुण भी होते हैं। तो 15वें अध्याय में जैसे भगवान ने बताया अपने धाम के विषय में, लेकिन अभी भगवान इसमें बताएंगे कि कैसे पता लगेगा कि कोई भगवान के धाम जाने के योग्य हो चुका है। ठीक है, अब वहां पे कोई सर्टिफिकेट तो चेक करेगा नहीं भगवान के धाम में। तो हमारे अंदर कुछ गुण आने चाहिए जिससे हमें पता लगेगा कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। तो वो हमें कैसे पता लगेगा, वो हमें इस अध्याय से पता लगेगा। जो भगवान ने इसमें दैवी गुण बताए हैं, ठीक है, अगर वो गुण हमारे अंदर आते हैं तो यानी हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, और हम भगवान के धाम जाने के योग्य हैं। तो इसीलिए भगवान ने इसमें दैवी और आसुरी गुण बताए हैं, दोनों ही गुण बताए। ठीक है, और अगर हमारे अंदर आसुरी गुण आ रहे हैं इसका मतलब हम भक्ति से दूर हट रहे हैं। ठीक है, तो ये भगवान ने इस अध्याय में बताया है। तो हमारे अंदर दैवी गुण भी आ सकते हैं, असुरी गुण भी आ सकते हैं, हमारे अंदर दोनों होते हैं। हमारे अंदर एक देवता भी होता है, एक असुर भी होता है, लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम किसको पोषण देते हैं। या तो हम अपने अंदर आसुरी प्रवृत्ति को पोषण दे सकते हैं या फिर दैवी प्रकृति को पोषण दे सकते हैं। तो जैसे आग होती है, तो जब आग जलती है तो उसके साथ धुआं भी निकलता है। तो अगर आप धुएं पे फूंक मारोगे तो क्या होता है, धुआं और ज्यादा फैल जाएगा, आग कम हो जाएगी। और अगर आप आग पे फूंक मारोगे तो क्या होता है, आग फैलती है और धुआं कम हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार हमारे अंदर दोनों गुण है, असुरी गुण भी है और दैवी गुण। हम जिसको पोषण देंगे वही गुण बढ़ जाते हैं। अगर हम असुरी गुण को पोषण देंगे तो हम असुर बन जाते हैं, और अगर हम दैवी गुणों को पोषण देंगे तो हम भक्त बन जाएंगे, भगवान के शुद्ध भक्त बन सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे ऊपर निर्भर है। तो भगवान की अगर सेवा करनी है तो हमारे अंदर दैवी गुण होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। क्यों? क्योंकि मैंने उदाहरण दिया था आपको कि भगवान सारे दिव्य गुणों से युक्त हैं। तो अगर हमें किसी की सेवा करनी होती है तो हमें भी, हमारे अंदर भी वही गुण होने चाहिए। जैसे कि राजा है, तो उदाहरण दिया था मैंने आपको, राजा की अगर सेवा करनी है एक उसके सेवक को, तो उसके अंदर भी राजा वाले गुण होने चाहिए, है ना, वरना वो राजा की सेवा अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए भगवान ने इसमें बताया कि वो दिव्य गुण कौन से हैं जिनसे हम भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा और अच्छे से कर पाएंगे। तो इसी के साथ इस अध्याय में हम आगे बढ़ते हैं। श्री भगवान उवाचा अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग्य व्यवस्थिति दानम तमस्य यज्ञश्च स्वाध्यायस्तव अर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिरपेशुनम दया भूतेश लोलुप्तम मार्दवा हीर चापलम ते चा क्षमाधृति शोचम द्रोहो नाति मानिता भवंती संपदम देवीम अभिजातस्य भारता। तो इसमें भगवान दिव्य गुणों के विषय में बताते हैं। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान दैवी गुणों के बारे में बताते हैं, एक एक करके हम चर्चा करेंगे सारे गुणों पे। तो सबसे पहला गुण है निर्भयता। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, अच्छे से शुद्ध भक्ति करते हैं, तो हमारे अंदर निर्भयता आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि
इसका उदाहरण हम सातवें अध्याय में भी देख चुके हैं, ठीक है, भगवान बता चुके हैं। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञातवान् शान्तिमृच्छति। तो भगवान बोलते हैं मैं सभी जीवों का हितेशी हूँ, सुहृदम सर्वभूतानां। तो जब हमें पता लगता है कि भगवान हमारे परम हितेशी है, परम मित्र है, परम शुभ चिंतक है, तो हमारे अंदर जो डर है वो खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारे हितेशी कौन है, भगवान है। तो इसका मैंने उदाहरण दिया था, जैसे कि अगर किसी को कोई परेशान कर रहा है और उसको पता है कि मेरा जो मित्र है वो क्या है, वो एक ऊंचे पद पर है, मान लीजिए वो पुलिस में है, बहुत अच्छी पोस्ट पे, तो उसके मन में डर नहीं आएगा अगर कोई उसे परेशान कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसका मित्र अच्छी पोस्ट पे है। इसी प्रकार अगर हमें पता लग जाए कि सुहृदम सर्वभूतानां, यानी भगवान हमारे परम हितेशी मित्र है ना, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, तो फिर हमारे मन में भय खत्म हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला गुण ये आता है। तो जितने भी हुए भगवान के भक्त, उनके मन में भय नहीं था बिल्कुल, है ना, निर्भय होकर उन्होंने भगवान की भक्ति की। जैसे कि विभीषण हो गए, ठीक है, असुरों के बीच में रहते थे, उन्होंने फिर भी भक्ति की। और जैसे कि प्रहलाद महाराज हो गए, उनके स्वयं के पिता असुर थे, ठीक है, फिर भी उन्होंने भक्ति की। तो उनके मन में बिल्कुल भी डर नहीं था, क्यों? क्योंकि उनको पता था भगवान हमारे साथ है। तो सबसे पहला गुण आता है निर्भयता, भय खत्म हो जाता है। उसके बाद आत्मशुद्धि, आत्मा की शुद्धि होती है, ठीक है। तो जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी आत्मा शुद्ध होती। तो भगवान की सेवा करने से हमारी आत्मा शुद्ध होती। तो कई लोग बोलते हैं कि भगवान के पास तो सब कुछ है, फिर हम भगवान की सेवा क्यों करें, ऐसा भी लोग बोलते हैं। भगवान तो भूखे नहीं है, उनको हम खाना क्यों दें, है ना, भगवान के पास तो सब चीज है, तो हम उनको क्यों चढ़ाएं कुछ। तो भगवान को हम इसीलिए भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमें आवश्यकता है। जब हम भगवान की सेवा करते हैं उससे हमारी आत्मा शुद्ध होती है, ठीक है, इसीलिए हम भगवान की सेवा करते हैं। तो जैसे अगर हम गंगा में जाते हैं, गंगा का पानी हम क्या करते हैं, गंगा को ही अर्पित करते हैं, तो इससे गंगा का कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे क्या होते हैं, हम शुद्ध हो जाते हैं। तो इसी प्रकार जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो उससे हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है, ठीक है। तो भगवान तो शुद्ध है ही, है ना, पवित्रम परमम भगवान, अर्जुन ने बोल दिया कि आप सबसे ज्यादा पवित्र हैं, लेकिन जब हम भगवान की सेवा करते हैं उससे हम पवित्र होंगे, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। तो जो भगवान की भक्ति करता है वो भगवान के बारे में जानना चाहेगा। तो जब तक हम किसी के बारे में हमें ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम उससे अच्छे से हम उसको जान नहीं पाएंगे, तो अच्छे से उससे हम प्रेम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो अगर हमें भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है तो हम भगवान की अच्छे से भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भक्त क्या करता है, भगवान के बारे में सुनना चाहता है, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना चाहता है, ठीक है, कि भगवान की शिक्षाएं क्या है और भगवान ने हमें क्या बोला है, भगवान क्या संदेश दे रहे हैं। तो इससे उसकी रुचि बढ़ती है इसमें, और इससे उसका जो संबंध है भगवान के साथ वो और भी ज्यादा घनिष्ठ हो जाता है। तो यहाँ तक कि हम भौतिक संसार में भी देखें, तो अगर आप किसी के बारे में थोड़ा ज्ञान रखते हैं, है ना, किसके क्या पसंद है, इसको क्या पसंद है और इसका जन्मदिन कब है, इसका ये कब है, तो इससे क्या होता है, आपका संबंध और ज्यादा बढ़ जाता है। इसी प्रकार जब हम आध्यात्मिक ज्ञान लेते हैं, भगवान के बारे में ज्ञान लेते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा संबंध और ज्यादा भगवान से बढ़ जाएगा। तो जब हम भक्ति करेंगे तो हमारे अंदर एक जो और गुण है वो क्या आएगा, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, यानी भगवान के बारे में और ज्यादा जानना। उसके बाद है दान, ठीक है। तो दान देना यानी किसी भी चीज से आसक्ति ना रखना और सारी चीजें भगवान की सेवा में लगाना, ईशावास्यम इदम सर्वम। तो ये समझ के दान देना कि सब कुछ भगवान का ही और भगवान के लिए ही अर्पित करना है। तो इस भावना के साथ भक्त क्या करता है, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। मत चित्ता मत कर प्राणा बोधयंता परस्पर। तो भगवान बोलते हैं उसका मन मेरे में लगा रहता है और भक्त अपने प्राण अपनी आत्मा को ही न्यौछावर कर देता है भगवान की सेवा में। उसके बाद है आत्मसंयम। तो भक्त के अंदर आत्मसंयम होता है कैसे, कि जो इंद्रिय विषय होते हैं उनका परित्याग करता है, ठीक है, जो भक्ति के प्रतिकूल जो चीजें होती हैं उनका परित्याग करता है। तो इससे क्या होता है, आत्मसंयम आता है उसमें। उसके बाद है यज्ञ परायणता, ठीक है। तो यज्ञ परायणता कैसे होगी, तो भगवान ने बोला है कलयुग में हमें कौन सा एक करना है, संकीर्तन यज्ञ, कलो तद हरि कीर्तन। तो इस तरह हम क्या करते हैं, भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं। यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि, भगवान बोलते हैं भगवत गीता में कि समस्त समस्त प्रकार के यज्ञ जितने भी यज्ञ हैं उसमें मैं जप यज्ञ हूँ, भगवान के नाम का पवित्र जप। तो इसीलिए अभी हमें कौन सा यज्ञ करना है, भगवान के नाम का जप, ठीक है। तो ये भक्ति का एक और गुण है। उसके बाद वेदाध्ययन, ठीक है, वेदों का अध्ययन करना।
और वेदों का अध्ययन का तात्पर्य क्या है, वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो, वेदों के अध्ययन का तात्पर्य होना चाहिए हमें भगवान को जानना, ठीक है। उसके बाद तपस्या, तो तपस्या हम कैसे कर सकते हैं आगे भगवान बताएंगे आने वाले अध्याय में। तपस्या तीन तरह की होती है, मन, कर्म और वचन, ठीक है। अपने मन को भगवान की सेवा में लगाना, अपने कर्म भगवान के लिए करना, और अपनी वाणी का प्रयोग भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए या फिर भगवान का गुणगान करने के लिए। तो इस तरह तीन प्रकार की तपस्या होती है, वो हम आगे इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से, ओके। उसके बाद है सरलता, तो भक्त भक्त का जीवन सरल होता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा सरल होता है। इससे क्या होता है, उसका समय बच जाता है और वो भक्ति अच्छे से कर पाता है। तो जितना हम अपने जीवन को उलझाएंगे उतना हम भक्ति को समय कम दे पाएंगे, ठीक है। इसीलिए भक्त क्या करता है, सरल जीवन जीता है। उसके बाद है अहिंसा, तो अहिंसा का वास्तविक अर्थ क्या है, सभी जीवों को भगवान का अंश समझना और सभी जीवों को भगवान से जोड़ना, ठीक है। उसके बाद है सत्यता, सत्यता, तो भक्त क्या करता है, सत्यता मतलब सत्य बोलता है, यानी शास्त्रों के वचनों को ज्यों का त्यों बोलता है। वो अपनी अपने मनोधर्म के हिसाब से नहीं बताता शास्त्रों की चीजें कि भगवान ये बोलना चाह रहे, भगवान वो बोलना चाह रहे। जो शास्त्रों में दिया है वास्तव में वो जो शास्त्रों का अर्थ है हमारे तक यथारूप में रखता है, यानी भगवान के संदेश को हम तक ज्यों का त्यों पहुंचाता है, ठीक है। जो भक्त होता है तो अपनी तरफ से तोड़ता मरोड़ता नहीं है शास्त्रों को। उसके बाद है क्रोध विहीनता, क्रोध नहीं आता उसको बिल्कुल भी, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए क्रोध नहीं आता। तो क्रोध भक्त को कभी कभी आ सकता है लेकिन भगवान की सेवा में, ठीक है, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं आ सकता। जैसे कि उदाहरण के लिए हनुमान जी है, तो हनुमान जी ने जो क्रोध किया वो किसके लिए किया, भगवान की सेवा के लिए किया। तो जब हनुमान जी जब लंका को जला के आए तो राम जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बोला कि हनुमान जी को कि आपने बहुत अच्छा काम किया। तो हनुमान जी ने बोला नहीं, लंका को मैंने नहीं जलाया, ये तो आपके क्रोध ने जलाया, ठीक है। तो इस तरह भक्त कभी कभी क्रोध कर सकते हैं लेकिन भगवान की सेवा के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आता है त्याग, तो त्याग मतलब क्या होता है, त्याग मतलब होता है सब चीज को भगवान की सेवा में लगा, त्याग मतलब ये नहीं है सब चीज छोड़ देना, तो इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। उसके बाद है शांति, तो जैसे कि हमने बताया शांति अगर प्राप्त करनी है तो उसका सूत्र क्या है, भगवान पहले बता चुके हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, भगवान को ही सभी यज्ञ तपस्याओं का भोक्ता समझना, है ना। सर्वलोक महेश्वरम, भगवान को सभी पूरे विश्व पूरे संसार का, भौतिक हो या आध्यात्मिक जगत हो, सबका स्वामी समझना। सुहृदम सर्वभूतानाम, और भगवान को ही परम हितैषी समझना। ज्ञातोमाम शांति मृच्छति, तो इस प्रकार हमें शांति प्राप्त हो सकती है। तो शांति सूत्र हम बता चुके हैं पांचवें अध्याय के 29वें श्लोक में। उसके बाद भगवान बताते हैं भक्त के अंदर जो अगला गुण है वो कौन सा आएगा, छिद्रान्वेषण में अरुचि। छिद्रान्वेषण मतलब होता है दूसरों में छिद्र, यानी दूसरों में कमियां ढूंढना। तो एक भक्त क्या करेगा, कभी भी दूसरों में कमी नहीं ढूंढता, उसमें हमेशा अच्छे गुण देखेगा और उन अच्छे गुणों को ग्रहण करेगा अपने जीवन में। तो कहीं पे अगर गलत काम भी हो रहा है तो गलत से भी वो कुछ अच्छा सीख लेगा, ठीक है, और अपने जीवन में अप्लाई कर सकता है। तो इसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ। तो एक भक्त थे, तो वो शर्माते थे भगवान का नाम जपने में या भगवान का नाम लेने में शर्माते थे बाहर। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं बस वगैरह में जा रहे होते हैं और या फिर मेट्रो में जा रहे होते हैं और तो भगवान के नाम का जप कर रहे होते हैं उस समय, लेकिन सब नहीं कर पाते, कई लोग शर्माते हैं बहुत ज्यादा। तो इसी तरह एक भक्त था एक बार, तो और भी बहुत ज्यादा शर्मा रहा था। तो एक बार वो किसी पब्लिक प्लेस में गया तो उसने देखा वहां पे कुछ काम करना मना है, ऐसा लिखा था जगह, लेकिन जो कुछ लोग थे वो गलत काम कर रहे थे वहां पे, है ना। तो वो लोग वहां पे गलत काम कर रहे थे और जबकि वहां पे लिखा भी हुआ था यहाँ पे ये करना मना है। तो उसके मन में आया फिर कि जब यहाँ पे लिखा है फिर भी ये लोग शर्मा नहीं रहे, है ना, गलत काम करने में, तो फिर मैं भगवान का नाम क्यों ना लूं, ठीक है, सबके सामने, जब ये लोग सबके सामने गलत काम कर सकते हैं तो मैं भगवान का नाम क्यों नहीं ले सकता। तो इस तरह उसने सोचा। तो हमें ये सीखना चाहिए, ठीक है, जब जो लोग गलत काम कर रहे हैं वो शर्माते नहीं है गलत काम करने में, तो फिर हम भगवान का नाम लेने में क्यों शर्माएं। तो इसी तरह हम सीख सकते हैं, ठीक है। तो छिद्रान्वेषण में अरुचि, दूसरों में कमी ना देखना और सबसे कुछ ना कुछ अच्छा सीखना जिससे हम भक्ति में आगे बढ़ सके, तो ये भक्तों का गुण है। इस तरह उसने फिर सीखा और अपने जीवन में उसको अप्लाई किया। तो आगे क्या है, समस्त जीवों पे करुणा, समस्त जीवों पे दया करना। तो दया कैसे करना, उनको
भक्ति में लाना, ठीक है, भगवान से जोड़ना, यही सबसे बड़ी दया है ना। उसके बाद लोभ विहीनता, उसके अंदर लालच नहीं होना चाहिए, अपने स्वार्थ के लिए कोई कार्य नहीं करना चाहिए भक्त को। भद्रता, ठीक है, भद्रता यानी सबसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। लज्जा, लज्जा का मतलब है विनम्रता। तो तृणादपि सुनी चैन तरोरपि सहिष्णु, तो उसको एकदम तिनके की तरह अपने आप को तुच्छ समझना चाहिए, ठीक है, अपने आप को भगवान का तुच्छ सेवक समझना चाहिए। उसके बाद संकल्प, तो भक्ति में संकल्प बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर संकल्प शक्ति नहीं होगी तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। जैसे कि कई लोग होते हैं, संकल्प लेते हैं कि हम सुबह उठेंगे और हम आरती करेंगे भगवान की, लेकिन अगर संकल्प शक्ति नहीं है तो वो नहीं कर सकते, है ना। तो अगर दृढ़ संकल्प है तभी वो लोग कर सकते हैं भगवान की भक्ति, ठीक है। तो भगवान बोलते हुए बचता माम दृढ़ाव्रता, तो जो मेरे भक्त होते हैं वो दृढ़ व्रत यानी दृढ़ संकल्प के साथ मेरी भक्ति करते हैं। उसके बाद आता है तेज। तो इसमें तेज, इसमें एक आपने देखा होगा दूसरे श्लोक में लिखा है चापलम। चापलम मतलब होता है बहुत तेज होता है जो, तो तेज यानी उसकी बुद्धि तेज होती है। तो जो भगवान की भक्ति करेगा वो क्या करेगा, किसी ना किसी तरह कोई भी समस्या है वो अपनी बुद्धि लगाएगा कि किस प्रकार मैं भगवान की भक्ति अच्छे से कर सकूं। तो कभी कभी उसे थोड़ा तेज होना पड़ता है ना, कभी कभी चतुर होना पड़ेगा उसको। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही सब चीज हो ज्यों का त्यों एकदम स्वीकार कर ले, कभी कभी उसको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा अगर भक्ति में आगे बढ़ रहे तो। बोला भी गया है ऐसे चैतन्य चरितामृत में, जय कृष्ण भजे से बड़ो चातुर, यानी जो भगवान की भक्ति करता है उसमें एक गुण आ जाता है, क्या, वो थोड़ा चतुर हो जाता है। और उसके बाद है क्षमा, तो सबको क्षमा करना है ना। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो कि हमने कहानी पढ़ी थी एक अम्बरीश महाराज की, तो दुर्वासा ऋषि उनको मारने के लिए तैयार थे लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, उनको क्षमा कर दिया। तो इस तरह भगवान के भक्तों के अंदर गुण होने चाहिए। यहाँ पे आप अर्जुन को भी अगर देखें तो अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था बिल्कुल भी, है ना। उसके मन में क्या था, बिल्कुल भी बदले की भावना नहीं थी, उसने मना कर दिया था लड़ने से। तो वैसे उसने गलत समय पे किया ऐसा, लेकिन ये भक्तों के अंदर एक गुण होता है, ठीक है। तो भक्तों के अंदर एक क्षमा का भी गुण होता है हमेशा से रहते। उसके बाद अगला गुण आता है धैर्य। तो भक्त के अंदर धैर्य होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, वो चैंटिंग करते हैं भगवान के नाम का, जप लेते हैं और वो बोलते हैं कि 1 महीना हो गया हमें लेकिन इसमें कोई रुचि नहीं आ रही है। कई लोग बोलते हैं कि हमें 2 महीने हो गए लेकिन कोई रुचि नहीं आ रही है। तो रुचि कब आएगी भगवान के नाम में, रुचि क्यों नहीं आती, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा। तो ऐसा नहीं है भगवान का नाम मधुर नहीं है, भगवान का नाम मधुर है लेकिन क्योंकि हमें बीमारी है, ठीक है, जिसके कारण हमें भगवान के नाम का स्वाद नहीं आ रहा। तो अगर बीमारी है तो हमें दवाई नहीं छोड़नी चाहिए, हमें दवाई लेती रहनी चाहिए। तो अगर हम बीच में दवाई छोड़ देंगे और बोलेंगे कि असर नहीं कर रही तो इलाज पूरा नहीं हो पाएगा ना, तो धीरे धीरे समय लग सकता है इसमें। तो जैसे कि अगर किसी को पीलिया होता है, जॉन्डिस किसी को होता है, तो क्या होता है उसको गन्ने का स्वाद नहीं आता, गन्ने का जूस पीता है तो उसको स्वाद नहीं आता बिल्कुल भी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गन्ने के जूस में स्वाद नहीं है, उसमें स्वाद है लेकिन क्योंकि उसको बीमारी हो गई है तो इसलिए उसको स्वाद नहीं आ रहा। लेकिन उसका इलाज भी क्या है, गन्ने का जूस ही है। तो जैसे जैसे पिएगा तो एक दिन क्या होगा, उसे स्वाद भी आने लग जाएगा और सही भी हो जाएगा। इसी प्रकार हमें भौतिकतावाद की बीमारी है, ठीक है, सांसारिक बीमारी है। तो अभी हो सकता है भगवान के नाम में स्वाद ना आ रहा हो लेकिन भगवान का नाम मधुर है और हम इसको जब लेते रहेंगे तो इसमें थोड़ा समय लग सकता है, ठीक है। तो सबको अलग अलग समय लग सकता है और निर्भर करता है वो कितना गंभीर है। दूसरा निर्भर करता है कि उसकी आत्मा पे कितनी परत जमी है, ठीक है, पूरी इच्छाओं की, तो उस पर भी निर्भर करता है। तो इसीलिए भक्ति में धैर्य रखना आवश्यक है, ठीक है। तो हो सकता है किसी को 1 साल लग जाए भगवान के नाम में रुचि आने में, हो सकता है किसी को 1 महीना लग जाए। तो इसीलिए हमें भगवान की भक्ति छोड़नी नहीं है, धैर्य होना बहुत ही जरूरी है भक्ति में। उसके बाद है पवित्रता। तो पवित्रता पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो 2 तरह की होती है, एक तो हमारे शरीर की बाहर की पवित्रता, एक होती है हमारी आत्मा की, ठीक है। तो दोनों को हमें पवित्र करना है। तो शरीर को तो हम कर ही रहे, अच्छी बात है, लेकिन हमें क्या करना है, आत्मा को भी पवित्र करना है। वो कैसे होगा, भगवान का नाम लेके, चेतो दर्पण मार्जना, भगवान का नाम लेंगे तो हमारा जो चित्त रूपी दर्पण है उसका मार्जन यानी उसकी सफाई होती है। उसके बाद है ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। तो जो भगवान का भक्त होता है किसी से ईर्ष्या नहीं करता, ठीक है, और ना ही उसे सम्मान की
आवश्यकता होती है। वो कोई काम इसलिए नहीं कर रहा कि मेरे को अटेंशन मिले, सब मेरी तारीफ करें, मुझे सम्मान मिले, नहीं। तो ये गुण भगवान के जो भक्त होते हैं उनमें पाए जाते हैं और इन्हें दिव्य गुण कहा जाता है। ठीक, तो अगर आप भक्ति करेंगे भगवान की और आपके अंदर ये सारे गुण आ जाते हैं, यानी इसका अर्थ है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। ओके, अब रूपा जी क्या बोलते हैं, छंद 16.1-3 में उल्लेखित ये सभी 26 गुण परालौकिक हैं, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए, उन्हें सामाजिक और व्यवसायिक की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। उद्देश्य यह है कि भले ही भौतिक स्थितियां दयनीय हो, यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे पारलौकिक बोध के उच्चतम मंच तक उठना संभव है। तो कृपा जी बोले हो सकता है कि अभी किसी की स्थिति दयनीय हो, यानी हो सकता है अभी किसी में गुण ना भी हो, लेकिन फिर भी हम अपने अपने गुण और अपने अपने कर्म के अनुसार अगर हम इसका प्रयास करें और भगवान की भक्ति में लगे रहें तो ये सारे गुण हमारे अंदर प्रकट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बस भक्ति नहीं छोड़नी भगवान की, तो ये सारे गुण अपने आप प्रकट होते रहेंगे। ओके, अब भगवान बताएंगे थोड़ा असुरी गुणों के बारे में। दम्भो दर्पोभिमानश्च क्रोधा पौरुषमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थ संपदम आसुरिम। संपदम आसुरिम यानी असुरों की संपदा क्या है, हे प्रथापुत्र, दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये सारे असुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। तो दम्भ मतलब होता है क्या, दम्भ मतलब होता है अहंकार। ठीक है, तो दर्प मतलब क्या होता है, दर्प मतलब होता है गर्व। तो सब में अंतर है, अलग अलग, अभिमान अभिमान और गर्व और अहंकार सब अलग है, तो हम चर्चा करेंगे सब में क्या अंतर है। तो सबसे पहले दम्भ, दम्भ मतलब है अहंकार, यानी अपने आप को वो समझना जो हम है नहीं। ठीक है, दम्भ का मतलब होता है अपने आप को वो मान बैठना जो कि हम है ही नहीं। तो ये असुरों का गुण है, जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, रावण का या फिर हिरण्यकश्यप का। तो ये लोग अपने आप को भगवान मानते थे, तो ये बोलते थे हम ही भगवान हैं और हमसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं। हिरण्यकश्यप को भी बोलता था कि हरि कुछ नहीं है, हरि से बढ़कर मैं हूँ। ठीक है, इसलिए उसका नाम मत लो और मेरा नाम लो। तो इस प्रकार ये लोग भगवान तो नहीं है और ना ही हो सकते, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, अपने आप को भगवान मान लेते हैं, जो है नहीं वो अपने आप को मान लिए इन्होंने, तो इसको बोलते हैं दम्भ। ठीक है, उसके बाद असुरों का दूसरा गुण क्या होता है, दर्प। अब दर्प का मतलब क्या है, गर्व। गर्व यानी अपनी जो भौतिक संपदा है या अपना जो ऐश्वर्य है या अपने जन्म पे या अपने पद पे, इन सब पे, इन सब के कारण जो अभिमान आता है उसको बोलते हैं दर्प। ठीक है, तो जो पहला वाला गुण था दम्भ, उसमें क्या था, उसके पास है नहीं वो चीज लेकिन उसको उस पर घमंड था। अब दूसरे वाले में क्या है, दर्प में क्या, उसके पास वो चीजें हैं उनके कारण उसको घमंड। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा है इंद्र, तो इंद्र को भी कभी कभी घमंड हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसके पद इतना श्रेष्ठ है उसको लगता है। ठीक है, तो इस कारण कभी कभी उसमें घमंड आ जाता है। और इसी प्रकार होता है किसी किसी को अपनी संपदा है ना, कि मेरे पास इतना पैसा है, उसके कारण घमंड आ जाता है। किसी किसी को अपने जन्म के कारण कि मेरा जन्म तो इस परिवार में हुआ है, ठीक है, उसके कारण घमंड आ जाता है। किसी किसी को अपने ऐश्वर्य के कारण, तो ये जो दर्प होता है ये उन कारणों से होता है जो उनके पास है पहले से, तो उनके कारण जो घमंड आता है उसको दर्प बोलते हैं। तो ये भगवान बोले असुरी गुण है। उसके बाद है अभिमान। तो अभिमान में क्या होता है, प्रशंसा की अपेक्षा रखना। तो असुर लोग चाहते हैं कि हमेशा हमारी प्रशंसा हो, हर जगह हमारी प्रशंसा हो, तो ऐसा तो संभव है नहीं। तो इससे क्या होता है, जब उनकी प्रशंसा नहीं होती जहाँ पे, वहां पे क्रोधित हो जाते हैं और असुरी कार्य करने लग जाते हैं। तो इसमें एक उदाहरण भी आता है प्रजापति दक्ष का। ठीक है, तो प्रजापति दक्ष भी चाहते थे सारे कोई मेरा सम्मान करे, और इसी तरह जब शिव जी से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने यही अपेक्षा रखी कि शिव जी भी मेरा सम्मान करें, और ये असुरी गुण है। ठीक है, इस प्रकार समझना कि हर कोई मेरा सम्मान करे, तो फिर उनकी क्या गति हुई उसके बारे में हम सबको पता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे अंदर ये भाव नहीं होना चाहिए कि हर कोई मेरा सम्मान करे, तो ये असुरी गुण है। उसके बाद आगे आता है क्रोध। तो जो असुर लोग हैं वो जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, ठीक है, छोटी मोटी चीजों पे क्रोधित हो जाते हैं। और भगवान ने बताया दूसरे अध्याय में, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो क्रोध से हम सम्मोहित हो जाते हैं, और सम्मोहित जब हम हो जाते हैं और
हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश से हमारा पतन हो जाता है, तो इसीलिए असुरों का पतन भी हो जाता है। उसके बाद जो अगला गुण है असुरों का वो क्या है, कठोरता। कठोरता मतलब क्या है, कठोरता मतलब है सबको कटु वचन बोलना, किसी से सही से बात न करना, सबको कटु वचन बोलना। ठीक है, तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं तो जब बात करते तो ऐसे बात करते, उनकी जो भाषा होती है उसमें फुल स्टॉप नहीं होता, फुल स्टॉप की जगह वो गालियां लगाते हैं। ठीक है, और ऐसे चलता है और आजकल कॉमन भी माना जाता है सब चीजें। तो ये क्या है, भगवान बोले असुरी गुण है। ठीक है, कटु वचन बोलना है ना, कटु वचन बोल के किसी से बात करना, किसी को कटु वचन बोलना, ये क्या है, असुरी गुण है। तो आपने देखा होगा शिशुपाल थे, तो शिशुपाल ने क्या किया, शिशुपाल ने भी यही किया, तो भगवान को अनेक कटु वचन बोलने का उन्होंने प्रयास किया और भगवान ने उन्हें रोका भी, लेकिन फिर भी नहीं माने, क्योंकि असुरों का स्वभाव ही है कटु वचन बोलना। तो इससे क्या हुआ, उनका पतन हो गया। ठीक है, तो इसीलिए कटु वचन नहीं बोलने चाहिए जो भगवान के भक्त है, ये असुरी गुण है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे अगला जो उनके अंदर होता है वो क्या है, अज्ञान। तो ऐसा नहीं है असुरों को शास्त्र नहीं पता होते, है ना, उन्हें सब चीजें पता होती है, लेकिन वो किस लिए पढ़ते हैं सारी चीजें, उनका खंडन करने के लिए। ठीक है, इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि वेदों का तात्पर्य भगवान को जानना, लेकिन वो सारी चीजें करते हैं ताकि हम भगवान का खंडन कर सके। तो इस प्रकार का वो, इस प्रकार से वो ज्ञान लेते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, अज्ञान। तो ये असुरों का लक्षण है। ठीक है, तो ये सारे असुरी प्रवृत्तियां हैं और भगवान अभी विस्तार से बताएंगे इसके बारे में और अच्छे से। देवी संपदम विमोक्षाया निबंधाया श्री मता मा सुचा संपदम देवी अभिजातो असि पांडवा। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं और असुरी गुण बंधन दिलाने के लिए हैं। हे पांडु पुत्र, तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम देवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो भगवान ने यहाँ पे बताया कि अगर भगवान के धाम जाना है, अगर अगर हमें वास्तव में इस संसार से मुक्ति चाहिए, या फिर हमें भगवान की सेवा अच्छे से अगर करनी है, तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, उसके लिए हमारे अंदर देवी गुण होने चाहिए। तो भगवान यही बोले, अगर हमें तीनों गुणों से मुक्त होना है तो हमें देवी गुणों को पोषित करना होगा, उनको बढ़ावा देना होगा। लेकिन अगर हमारे अंदर असुरी गुण आ गए तो उससे क्या होगा, हम इस संसार में और ज्यादा फंसते रहेंगे, और ज्यादा फंसते रहेंगे। तो ताकि हमें पता लग सके कि हम संसार में फंस रहे हैं या इससे ऊपर उठ रहे हैं, इसीलिए भगवान ने इन गुणों के बारे में बताया। तो हम इन गुणों को अपने जीवन में देख सकते हैं, अगर हमारे अंदर ये गुण आ रहे हैं तो हम पता लगा सकते हैं कि हम भगवान के पास जा रहे हैं या भगवान से दूर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान एक और बात बोले कि हे पांडु पुत्र, यानी अर्जुन को बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, मा शुचा, डरो मत, क्यों, क्योंकि तुम पैदा ही देवी गुणों के साथ हुए हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा इसीलिए हो सकता है क्योंकि जो अर्जुन है वो भगवान के नित्य सखाए थे। तो जब भी भगवान आते हैं अपनी पूरी टीम के साथ आते हैं, अपनी पूरी मंडली होती है उनकी, है ना। तो अर्जुन ऐसा नहीं है, अर्जुन कोई साधारण जीव है, अर्जुन भगवान का भक्त है, नित्य भक्त है। ठीक है, तो हमें समझना है, और भगवान पहले भी बोल चुके हैं अर्जुन को, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तप चार्जुन, तानि हम वेद सर्वाणि न तम वेद परंतप। भगवान चौथे अध्याय में बोलते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, तुम और मैं अनेक अनेक बार इस पृथ्वी पर आ चुके हैं, लेकिन तुम्हें कुछ भी याद नहीं है और मुझे सब कुछ याद है। तो भगवान जब भी आते हैं अपने शुद्ध भक्तों के साथ आते हैं और उनके साथ लीलाएं करते हैं और हमें संदेश देते हैं। ठीक है, ताकि हम भी उनकी लीला को सुन सके, स्मरण कर सके और भगवान से जुड़ सके। तो इसीलिए जो अर्जुन है वो क्या है, भगवान के नित्य सखा है। ओके, आगे भगवान क्या बोलते हैं, दो भूत सर्गलोके अस्मिन् देवा असुर एव चा देवो विस्तरश्चा प्रोक्ता आसुरम पार्थमेष्णु। हे प्रथा पुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार में तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। तो भगवान बोले, दिव्य गुण तो मैंने बहुत सारे बता दी, लेकिन अभी आसुरी गुणों के बारे में मैंने इतना नहीं बताया, तो उसके बारे में तुम और विस्तार से सुनो। प्रवृत्तिं चा निवृत्तिं चा जनाना विदुरासुरः न शौचं ना विचाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। तो जो असुरी हैं वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। तो जो असुर लोग होते हैं वो अज्ञान में होते हैं, उनको पता ही नहीं रहता जीवन में क्या सही है क्या गलत है, वो अपने आप को शरीर मान के ही कार्य करते हैं। उनको लगता है कि जो
जिस कार्य से वो खुश हो जाए बस वही कार्य सही है, बाकी बाकी कुछ सोचते नहीं है। ठीक है, उनको लगता है बस जो उनके लिए सही है वही सही है। तो उनकी सही की परिभाषा यही है, जो उनके लिए सही है वही सही है। और इसलिए वो क्या करते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता क्या करना चाहिए क्या नहीं। उनमें ना तो पवित्रता होती है। तो हो सकता है बाहर से पवित्र हो, बाहर से उसने अच्छे कपड़े पहने हो, है ना, लेकिन हमें पता है पवित्रता मतलब क्या है। पवित्रता अंदर से भी होनी चाहिए, आत्मा भी शुद्ध होनी चाहिए, मन भी शुद्ध होना चाहिए। तो असुर लोग भले ही आपको बाहर से लगे कि हाँ इसने तो अच्छे कपड़े पहने, ठीक है, लेकिन अंदर से क्या होती है, अंदर से पवित्र नहीं होते, आत्मा शुद्ध नहीं होती उनकी। ठीक है, ना उचित आचरण, किसी के साथ सही व्यवहार नहीं करते, और अगर किसी के साथ सही व्यवहार कर भी रहे हैं तो उसमें भी कोई ना कोई स्वार्थ छुपा होगा उनका। ठीक है, और इस तरह वो क्या बोलते हैं, सत्य कभी नहीं बोलते, सत्य नहीं बोलेंगे, बस वही बात बोलेंगे जो उनके लिए, जो उनके फायदे के लिए होगी, ठीक है, जिससे उनको लाभ मिलेगा वही बातें वो बोलेंगे। तो भगवान बोले ये सब आसुरी गुण। ओके, आगे भगवान क्या बोलते हैं, असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुनीश्वरम अपरस्परम संभूतम किम अन्य काम हेतुकम। वह कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। तो आजकल भी ऐसे लोग हैं, नास्तिक लोग, तो भगवान उनके बारे में बोल रहे हैं। और बिल्कुल आप देखेंगे तो जो इसमें भगवान ने बोला है वही वो बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल जो कहते हो। तो असुर लोग क्या बोलते हैं, ये जगत मिथ्या है, ठीक है, तो बोलेंगे कि ये दुनिया तो एक सपने की तरह है, ठीक है, और पता नहीं कब सपना टूट जाए, तो इसको खुल के जियो, इसका भोग करो, इसका कोई आधार नहीं है, कोई भगवान नहीं है। ठीक है, तो बोलते हैं कि भगवान भगवान कुछ नहीं होता, और ये जो भी है ये सब क्या है, प्रकृति के नियमों से चल रही है, ठीक है, और इसको चलाने वाला कोई भगवान नहीं है, इस तरह वो सोचते हैं। ठीक है, भगवान भगवान कुछ नहीं है, कोई नहीं देख रहा है, कुछ भी करो, ठीक है, और इंद्रिय तृप्ति करो और मजे में रहो, ऐसा वो बोलते हैं। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है। तो उनको लगता है क्या कि जितनी भी चीजें हैं संसार में ये काम इच्छा पूर्ति के लिए बनी है, यानी भोग के लिए बनी है। तो ये असुरों की प्रवृत्ति होती है, हर चीज को भोग की नजरों से देखते हैं, भोग की दृष्टि से देखते हैं। और क्योंकि वो अपने आप को शरीर मान रहे हैं, जब वो पहली बात वो आत्मा को ही नहीं मानेंगे, आत्मा को नहीं मानते तो फिर परमात्मा को क्यों मानेंगे। और जब कोई व्यक्ति आत्मा को नहीं मानता तो फिर वो क्या मानता है, वो मानता है कि मैं शरीर हूँ, और जैसे ही वो ये मानता है कि मैं शरीर हूँ तो फिर वो ये मान बैठता है कि शरीर को तो एक दिन नष्ट होना ही है, तो क्यों ना इसका भोग किया जाए खुल के। ठीक है, और इस तरह वो भोग में लग जाता है फिर। तो भगवान बोले ये आसुरी गुण है और भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं। अब ऐसे असुरी लोग क्या करते हैं फिर, ठीक है, अपने तो नुकसान करते ही हैं, लेकिन आगे क्या होता है, ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए असुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान को खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो असुरी लोग ना सिर्फ अपना विनाश कर रहे बल्कि क्या करते हैं, पूरे समाज का भी विनाश करते हैं। तो अपना विनाश तो ठीक है वो कर ही रहे, लेकिन उनके कारण क्या होता है, पूरे समाज का भी विनाश हो जाता है। तो भगवान बोले इस प्रकार, कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। तो भगवान बोले सुधरने का प्रयास नहीं करते, उन्होंने व्रत ले रखा हो जैसे, ठीक है, कि मुझे गलत काम करना ही है। तो इस तरह उनके मन में होता है कि मुझे कुछ भी हो जाए, भले उन्हें पता लग जाए ये गलत है, लेकिन व्रत लिए रखे हैं, उन्होंने व्रत ले रखा है कि बस ये कार्य मुझे अब करना ही है। ठीक है, क्यों, क्षण भंगुर जो सुख है उसके लिए। ठीक है, तो भगवान बोलते भी ये ही संस्पर्श जाप होगा, दुखी होना एवते आद्यंतवंत कौन्तेया नतेषु रमते बुधा। यानी जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो क्षण भंगुर जो हमें इंद्रिय तृप्ति से सुख मिलता है उसके लिए प्रयास नहीं करता। क्यों, आद्यंतवंत होते हैं, क्योंकि ऐसे जो सुख है उनका आदि और अंत होता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो शाश्वत सुख ढूंढता है, ठीक है, वो क्षण भंगुर चीजों से जो सुख मिलता है उसको नहीं ढूंढता। तो असुर लोग इस तरह करते हैं, उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती है, वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंध कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। तो असुर लोगों का भगवान बोले क्या, उनका विचार क्या होता है,
कि हमको इंद्रिय तृप्ति करनी है, ठीक है, ये जीवन बनाए किसके लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, और इस तरह इसके लिए कुछ भी करते हो और अनेक धन को संचित करने में लग जाएंगे, अनेक प्रकार से गलत गलत कार्य भी करेंगे, कुछ भी करके धन संग्रह करके इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, अंत में अपार चिंता हो जाती है। जब वो अपना शरीर त्याग रहे होते हैं तो उनके मन में बहुत ज्यादा चिंता हो जाती है, ठीक है। तो जो बोला गया है, मरते समय लाखों बिच्छू जैसा दर्द होता है, वो इन्हीं लोगों को होता है, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अभी इन्होंने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया, इंद्रिय तृप्ति इनको करनी है, अभी भी इच्छाएं हैं मन में, लेकिन जैसे शरीर त्यागने वाले होते हैं, अब इनके मन में आता है कि अब मैंने जितना भी कमाया वो सब जाने वाला है, ठीक है, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है ना, और अब इसका भोग मैं नहीं कर पाऊंगा। तो क्योंकि बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं अपनी संपत्ति से, अपने धन से, अपने व्यापार से, तो इस कारण मरते समय बहुत ज्यादा दुख में आ जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये लोग होते हैं, तो ऐसे हम देख सकते हैं। और इसमें कलयुग की छोटी सी कहानी है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो जब कलयुग आने वाला था, तो जो द्वापर युग के जो अंतिम राजा हुए वो कौन थे, परीक्षित महाराज थे, ठीक है। तो अभिमन्यु के पुत्र थे, अर्जुन के पोते थे, तो वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। और हमें पता है जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, उनके राज्य में भक्ति बहुत ही ज्यादा अच्छे से होती है। तो जैसे भगवान बोलते हैं तीसरे अध्याय में, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एवित्रो जना, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करेंगे बाकी जनता भी वैसे ही आचरण करती है। तो क्योंकि परीक्षित महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे, तो उनका जो राज्य था, पूरे विश्व पे उनका राज्य था, ठीक है। तो पूरे विश्व में उस समय शांति थी, सब लोग भगवान की भक्ति कर रहे थे। लेकिन तभी क्या हुआ, अब कलयुग को भी आना था। तो कलयुग जब आता है, तो बहुत लंबी कहानी है, ठीक है। तो कलयुग के साथ उनका युद्ध भी होता है और वो कलयुग को हरा देते हैं। और उसके बाद कलयुग उनसे बोलता है कि देखो, पहले सतयुग आया है, उसके बाद त्रेता युग आया है, द्वापर युग आया है, तो मेरा भी समय आ गया है, तो मेरे को भी अब आना ही पड़ेगा। तो परीक्षित महाराज बोलते कि नहीं, तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। तो फिर कलयुग के साथ उनकी काफी चर्चा होती है, वो आप पढ़ सकते हैं भागवत में। तो अंत में वो बोलते हैं ठीक है, क्योंकि तुम मेरी शरण चाहते हो और तुम राजा की शरण में आए हो, तो मेरा कर्तव्य है कि अब मैं तुम्हें शरण दूं, लेकिन तुम इस रूप में नहीं रह सकते। तो कलयुग बोलता है कि ठीक है, मैं चार चीजें आपसे मांगता हूँ, वो आप मुझे दीजिए, मैं उन चार जगह में रहूंगा, बाकी मैं कहीं नहीं रहूंगा। तो परीक्षित महाराज बोलते हैं ठीक है, तुम चार जगह चुन सकते हो। तो जो कलयुग है वो बोलता है ठीक है, मैं चार जगह रहूंगा। तो अब आप देखिए कलयुग का जो बुद्धि है वो कितनी है, कितनी ज्यादा बुद्धिमान है कलयुग। तो कलयुग ने चार चीजें चुनी, और चार चीजें इस तरह चुनी कि पूरे धर्म का नाश हो जाए। तो जो धर्म है उसके चार स्तंभ होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कलयुग ने क्या चुना, कलयुग ने चुना मैं वहां पे रहूंगा जहां पर अवैध संबंध होगा। तो अवैध संबंध मतलब क्या होता है कि अपने पति या पत्नी के अलावा किसी और से संबंध रखना। तो सबसे पहले जो जगह चुनी कलयुग ने वो ये चुनी। तो जहां पे कलयुग ने बोला ऐसा काम हो रहा होगा, मैं वहां पे निवास करूंगा। तो इससे क्या होता है, इससे क्या हुआ, जो कलयुग ने जो धर्म का एक मुख्य स्तंभ था, एक मुख्य पिलर था जो धर्म का, वो क्या था, शौच यानी पवित्रता। तो इससे पवित्रता को नष्ट कर दिया, तो धर्म का एक स्तंभ तोड़ दिया कलयुग ने, ठीक है। तो इससे पवित्रता खत्म हो जाएगी। और फिर जो दूसरा जो स्थान कलयुग ने चुना, वो कहाँ पे चुना, जहां पे जुआ खेल रहे होंगे सब, गैमलिंग कर रहे होंगे। तो कलयुग ने बोला मैं वहां पे वास करूंगा जहां पे हर कोई जुआ खेल रहा होगा। तो इससे क्या किया कलयुग ने, जो धर्म का दूसरा स्तंभ था वो क्या था, सत्य। तो जुए में हमें पता है झूठ बोलना पड़ता है, ठीक है। तो जो धर्म का दूसरा स्तंभ था वो भी तोड़ दिया, सत्य। तो पहले पवित्रता, फिर सत्य। उसके बाद कलयुग ने बोला मैं वहां पे वास करूंगा जहां पे क्या हो रहा होगा, नशा हो रहा होगा, ठीक है, नशा वृत्ति हो रही होगी, मैं वहां पे वास करूंगा। अब इससे कलयुग ने क्या किया, तपस्या, ठीक है, जो धर्म का तीसरा स्तंभ था तप, वो भी तोड़ दिया। क्योंकि जो व्यक्ति नशा करेगा वो तपस्या नहीं कर सकता ना, तप नहीं कर सकता। तो इस प्रकार उसने धर्म के तीनों स्तंभों को तोड़ के फिर चौथा जो धर्म का स्तंभ है वो क्या है, दया। तो कलयुग ने बोला मैं वहां पे वास करूंगा जहां पे मांसाहार सेवन हो रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो धर्म के चारों स्तंभ थे, पवित्रता, सत्य और तीसरा क्या था, तप और दया, तो
कलयुग ने क्या किया, धर्म के चारों स्तंभों को तोड़ दिया, चारों स्तंभों को घेर लिया। ठीक है, और लेकिन उसको लगा कि वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है ना, और उसने ऐसा कर दिया। तो जो असुरी लोग हैं उनको भी यही लगता है कि वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। ठीक है, जैसे कि हिरण्यकश्यप को हम देखें, उसने ऐसा वरदान मांग लिया, उसको लगा बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो गया। तो जब उसको अमरता का वरदान नहीं दिया ब्रह्मा जी ने, तो उसने ऐसा वरदान मांग लिया, ना दिन में मरू, रात में मरू, बाहर मरू, अंदर मरू, ऊपर मरू, ना नीचे मरू, ना देवता से मरू, ना इंसान से मरू, इस तरह उसने ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू। तो उसको लगा कि शायद वो अमर हो गया। तो असुरों को लगता है कि उन्होंने शायद अपनी, असुरों को लगता है कि उनकी बुद्धि बहुत ज्यादा तेज है। लेकिन हमें बताया सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है, भगवान है। भगवान को 1 सेकंड नहीं लगा उसको मारने में। तो इसी तरह कलयुग ने धर्म के चारों स्तंभों को घेर लिया। तो कलयुग को लगा शायद शायद अब वो अपने जो कार्य है उसमें सफल हो जाएगा। लेकिन भगवान हमें पता है सबसे श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार जब हुआ तो अभी भागवतम में आता है कि फिर कलयुग से किस तरह बचा जाए। इतना सब कुछ हो जाएगा, ना कोई पवित्र रहेगा, ना कोई सत्य बोल पाएगा, ना किसी के अंदर तप होगा, ना दया होगी, तो ऐसे में जीवों का उद्धार कैसे होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो जितने भी ऋषि मुनि है भागवतम में, वो भी चिंता व्यक्त करते हैं कलयुग में जीवों का उद्धार फिर कैसे किया जाए। तो प्रायण अल्पायुषा सभ्या कालो अस्मिन युगे जनः मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही अवतृता। आयु भी कम होगी, बुद्धि भी कम होगी, और आलसी होंगे और दुर्भाग्य होंगे, और क्या होगा, आपस में झगड़ालू भी होंगे। तो इतनी सारी बुराइयां, इतने सारे दोष होने के बाद कलयुग में जीवों का उद्धार कैसे होगा। तो परीक्षित महाराज भी पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से भागवतम में कि कलयुग ने तो सारे धर्म के स्तंभों पर हमला कर दिया, अब जो कलयुग के जीव है उनकी रक्षा कैसे होगी। तो जो सुखदेव गोस्वामी है वो बोलते हैं कि कलयुग में भले ही लाखों दोष हों, लेकिन कलयुग में एक अच्छा गुण भी है। वो क्या है, केवल भगवान का नाम लेने से ही व्यक्ति क्या करेगा, जितने भी पाप कर्म है उनसे मुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ी बड़ी तपस्या करने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। कलयुग में अगर कोई भगवान का नाम भी लेगा तो उसी में उसका उद्धार हो जाएगा। ठीक है, तो भगवान ने इतनी दया की हम पे, भगवान को पता है ये सारी चीजें कि ना हमारे अंदर शुद्धता रहेगी कलयुग में, ना सत्यता रहेगी, ना तप रहेगा, ना दया रहेगी। तो इसीलिए भगवान ने क्या किया, विधि को भी आसान बना दिया। ठीक है, तो भगवान ने इतनी दया की हम पे, तो इसीलिए हमें क्या करना है, अभी भगवान का नाम लेना है। ठीक है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिर अन्यथा। कलयुग में नहीं है, नहीं है, नहीं है इसके अलावा कोई भी और उपाय। ठीक है, तो इस तरह हम समझ सकते हैं। तो भगवान ने हम पे इतनी दया की है तो हमें भी थोड़ा आगे बढ़ना है और उसका फायदा उठाना चाहिए। कलयुग में एक ही फायदा है बस। कलयुग में जो लाभ बड़ी बड़ी तपस्या से या बड़े बड़े यज्ञ करके मिलता था, वो केवल भगवान के नाम के जप से मिल सकता है। ठीक है, तो हमें यह बात समझनी है और कलयुग को हराना है। तो आपको पता होगा कि कई लोग बोलते हैं हमें पता कैसे लगेगा कि कलयुग फैल चुका है। तो जहाँ पे चार चीजें हो रही हैं वहां से आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे कलयुग है कि नहीं, कलयुग का प्रभाव है कि नहीं। और हमें पता है जो चारों चीजें हैं कहाँ पे हो रही है, ये हर जगह हो रही है आजकल, है ना, अवैध संबंध, जुआ खेलना, नशा करना और मांसाहार, तो ये हर जगह हो रही है। ठीक, तो इससे क्या पता लगता है कि हर जगह कलयुग फैल चुका है अब। ठीक है, लेकिन अब जो प्रभुपाद जी हैं, जब प्रभुपाद जी ने भगवान के नाम का प्रचार शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले कहाँ पे चुना, अमेरिका चुना। ठीक, और अमेरिका में भी वो शहर चुना जहाँ पे ये चीजें सबसे ज्यादा हो रही थी। तो उन्होंने सिद्ध किया प्रभुपाद जी ने कि भगवान के नाम से हम जो कलयुग के चार लक्षण है उनसे हम ऊपर उठ सकते हैं। तो उन्होंने ऐसे लोगों को भगवान की भक्ति में लाया जो ये चार चीजों से घिरे हुए थे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि भगवान के नाम में कितनी शक्ति है ना, उन्होंने सिद्ध किया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें भी वही अपनाना है। अभी सिद्ध भी हो चुका है, शास्त्रों ने भी बोल दिया है, तो फिर हम किस चीज की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं ना। तो हमें आरंभ कर देना चाहिए भगवान के नाम पे। ओके, अब भगवान बताते हैं कि आसुरी व्यक्ति किस प्रकार से सोचता है। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। तो हमेशा क्या सोचता है, कैसे मैं अपने धन को डबल कर दूं, कैसे जो मेरा बिजनेस है उसको डबल कर दूं। ठीक है, कैसे मैं इसको और बढ़ा दूं। तो इस तरह अनेक अनेक योजनाएं बनाता रहता है, कभी भी संतुष्ट नहीं रहता। और फिर उसके बाद क्या सोचता है, वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे।
उसको लगता है कि मैं अपने सारे शत्रुओं को मार दूंगा और पूरे विश्व पे राज करूंगा। तो सब असुर लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जैसी उन्हें शक्ति मिलती है थोड़ी सी, तो सबसे पहले वो अपने दुश्मनों को मारना आरंभ कर देते हैं। और जैसे कि आपने देखा होगा कि कंस थे, तो कंस ने क्या किया, उसको लगा कि शायद मैं भगवान को भी मार दूंगा, है ना। और इस तरह उसने पहले अपने शत्रुओं को तो मारा, धीरे धीरे उसको लगा बस एक ही शत्रु बचा है मेरा, वो कौन है, भगवान। तो अब उसने भगवान को मारने की भी योजना बनाने लग गया। तो इस तरह असुर लोग होते हैं, अलग अलग योजनाएं बनाते हैं, ठीक है, धन कमाने के लिए, अपने शत्रुओं को मारने के लिए अलग अलग योजनाएं बनाते हैं। और क्या बोलते हैं, मैं ही सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, है ना, मैं ही भोगता हूँ, ईश्वर ईश्वरो अहम अहम भोगी, सिद्धो अहम बलवान सुखी, मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही शक्तिमान हूँ और मैं ही सुखी हूँ। अपने आप को ही सब कुछ मान बैठते हैं असुर लोग। तो इसमें अनेक उदाहरण आते हैं, ठीक है, जैसे कि हिरण्यकश्यप हो गया, वो बोलता था मैं ही भगवान हूँ और मैं स्वर्ग का राजा भी हूँ, सबसे ज्यादा सुखी मैं ही हूँ, सिद्ध भी मैं ही हूँ और परम भोक्ता भी मैं ही हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है, कोई अन्य मेरे समान शक्तिशाली यानी शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। और इस प्रकार असुर लोग सोचते हैं कि जो मेरे पास तो इतने अच्छे अच्छे लोग हैं और मेरा जो परिवार है इतना अच्छा है और मेरे जो रिश्तेदार हैं जितने भी सगे संबंधी है वो बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति है, तो इस प्रकार वो अपने आप को शक्तिशाली मानते हैं। जैसे कि रावण था, रावण को लगता था कि उसके पास बहुत शक्तिशाली योद्धा है, ठीक है, कुंभकर्ण है उसके पास और उसके पास उसके जो पुत्र हैं, ठीक है, तो अक्षय कुमार हो गया, और उसको लगा कि जो मेघनाथ है, ठीक है, उसके पास बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं तो उसको कोई मार ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता। तो इस तरह उसको लगता है कि उसके रिश्तेदार ये सब उसको बचा देंगे, लेकिन सबको पता है जब मृत्यु आती है किसी की कुछ भी काम नहीं आता उस समय, चाहे किसी के रिश्तेदार कितने भी बड़े हों, कितने भी अच्छे हों, किसी के पास कितना भी धन हो, किसी के पास कितनी भी संपत्ति हो, तो अंत में कुछ नहीं आता, मृत्यु सर्वहारश्च, मृत्यु सब कुछ हर लेती है, ठीक है। तो इस प्रकार भगवान बोलते हैं। और आगे वो क्या सोचते हैं असुर लोग, अगर वो अच्छे काम करते भी है तो किस लिए करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते हैं। असुर लोगों को लगते हैं कि मैं यज्ञ करूंगा, ठीक है, और उससे कुछ भौतिक लाभ लूंगा, दान दूंगा जिससे कि मेरा यश हो, सब हर कोई हर सबको लगे कि मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, ठीक है, इसलिए दान भी दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा और इस तरह मुझे प्रतिष्ठा भी मिलेगी और मुझे शक्तियां भी मिलती रहेगी। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते हैं। तो भगवान ने असुरी व्यक्तियों के विषय में बहुत विस्तार से बताया इसमें। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाला समावर्ता प्रासक्ता काम भोगेशु पतंती नरके अशुचो। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंध कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। तो हमने पहले भी चर्चा की, अब वो चिंताओं से ग्रस्त क्यों होते हैं, क्योंकि अंत में उन्हें पता लग जाता है कि मैंने जितना भी धन कमाया सब जाने वाला है। तो इस प्रकार बहुत ज्यादा चिंता में आ जाते हैं ये कि अब मैं भोग कैसे कर पाऊंगा और मेरा धन कोई और ले लेगा, जो मैंने कमाया, मेरा जो बिजनेस है उसको कोई और ले लेगा, तो मैंने इतनी मेहनत की है और अब मैं शरीर त्यागने वाला हूँ। तो इस प्रकार बहुत ज्यादा चिंता से ग्रस्त हो जाते हैं, और क्योंकि गलत इच्छाएं अभी भी है मन में, तो इसके कारण क्या होते हैं, धीरे धीरे निम्न लोकों की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार उनकी गति होती है। तो जैसे मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी शहद इकट्ठा करने में पूरा जीवन बिता देती है, जिस तरह इसी तरह असुर लोग भी होते हैं, पूरे जीवन पर भोग करने में, धन संपदा इकट्ठा करने में बिता देते हैं, ठीक है, लेकिन लास्ट में क्या होता है, जैसे छत्ता टूट जाता है उसी तरह सब कुछ भगवान इनसे छीन लेते हैं, मृत्यु सर्वहारश्च, इसीलिए ये लोग चिंता में आ जाते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता मामात्परम देहेशु प्रदर्शन्तो अभिसूयकः। मिथ्या अहंकार बल दर्प काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगता है। तो असुरों का एक और लक्षण है क्या, ये सारी चीजें तो हमने बता दी, उनके अंदर मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार मतलब होता है अपने आप को शरीर मानना, ठीक है, अपने आप को शरीर मानते हैं और बल दर्प काम इससे क्या होते हैं, मोहित होते हैं। थोड़ा सा अगर उन्हें पावर मिल जाए तो उनका असली जो वास्तविक स्वरूप है सामने आ जाता है। तो अगर बोला भी जाता है, अगर आपको किसी की परीक्षा लेनी है, अगर आपको जानना है वास्तव में किसी का नेचर कैसा है, तो आप क्या करिए, उसको थोड़ी सी पावर दे दीजिए, क्योंकि
जब कोई व्यक्ति अभी सब अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है ना, हर कोई बोलेगा कि देखो हम तो हमारे अंदर तो कुछ नहीं है, हम सब अच्छे हैं जी। लेकिन पता कैसे लगेगा कौन अच्छा है कौन गलत है? आप उसको थोड़ी सी पावर दे दीजिए, तो पावर मिलने पर वो कैसा व्यवहार करता है, थोड़ा सा अगर आप उसे बल मिल जाए तो कैसा व्यवहार करता है, उससे किसी का पता लग सकता है। तो इसीलिए जब असुरों को थोड़ी सी शक्ति मिल जाती है, थोड़ी सी उनको पावर मिल जाती है, तो उसका क्या करते हैं, दुरुपयोग करने लग जाते हैं ना। उससे पहले क्या करेंगे, हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे, ठीक है, सबसे अच्छे से बात करेंगे। लेकिन किसी के अगर वास्तव में जानना है किसी को, तो उसको आप क्या करिए, थोड़ी सी पावर दे दी तो आपको पता लग जाएगा। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं उन्हें अपने बल का क्या होता है, घमंड हो जाता है असुरी लोगों को। और इतना तो ठीक है सब चीज होने के बाद, अब वो क्या करने लगते हैं, भगवान से ईर्ष्या करने लगते हैं, भगवान की निंदा करने लगते हैं, धर्म की निंदा भी करने लगते हैं। तो भगवान को ना मानना अलग बात है, लेकिन भगवान की निंदा भी करने लग जाते हैं, ठीक है। तो इतना वो गिर जाते हैं, इतना पतित हो जाते हैं कि भगवान की भी निंदा करने लग जाते हैं। तो जैसे शिशुपाल है, उसने क्या किया, भगवान की निंदा करना आरंभ कर दिया, ठीक। पहले तो भगवान से ईर्ष्या करता था, इतना तो ठीक है ईर्ष्या करता था, लेकिन बाद में निंदा भी करने लग गया। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी। तो भगवान ने अगर उसकी गर्दन काट दी, तो ऐसा नहीं है भगवान गुस्सा हो गए, और भगवान भगवान को तो फर्क नहीं पड़ता कोई भी चीज है, लेकिन भगवान ने एक तरह से उस पर कृपा ही की। क्यों? क्योंकि जितना वो भगवान की निंदा कर रहा था, उतना ज्यादा उसके पाप बढ़ते जा रहे थे। तो भगवान ने एक तरह उस पर दया ही की, है ना, कि ये और ज्यादा न गिरे और इसके पाप न बढ़े। क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं, सुहृदं सर्वभूतानां, मैं सभी जीवों का हितैषी हूँ। तो भगवान ने उसके भले के लिए किया। जैसे एक माता होती है, वो अपने बच्चे को क्या करती है, रोक देती है गलत काम करने से, ना, तो क्यों रोकती है, ताकि इसका बुरा ना हो। इसी प्रकार भगवान ने उसे रोक दिया गलत कार्य करने से, ताकि इसका और बुरा ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं इसे। आगे भगवान क्या बोलते हैं, जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और जो नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। तो पहले भगवान ने बताया कि जिनके अंदर दैवी गुण होंगे वो क्या होंगे, भगवान के धाम जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर वो योग्यता है। लेकिन जो असुर लोग हैं, जब तक उनके अंदर योग्यता नहीं होगी, वो क्या करेंगे, भगवान उनको अधम योनियों में डालते रहते हैं, जब तक साफ नहीं होगा। तो क्या होता है, जब तक कपड़ा साफ नहीं होता, तब तक हम उसको बार बार डुबाते रहते हैं ना, बार बार उसको निचोड़ते हैं, डुबाते हैं, फिर निचोड़ते हैं। तो इसी तरह जब तक जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं आ जाती, जब तक वो शुद्ध नहीं हो जाती, जब तक उसके अंदर दैवी गुण नहीं आ जाएंगे, वो भगवान के धाम नहीं जा सकती, तब तक वो मृत्यु संसार में फंसी रहती। तो इस तरह भगवान बोलते हैं, हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते, वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त करते हैं। तो जब तक किसी के अंदर आसुरी गुण रहेंगे, तब तक भगवान बोले कि संभव ही नहीं है कि वो भगवान को प्राप्त कर सके, तब तक वो उसका पतन होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। जब तक ये गुण उसमें बने रहेंगे, ठीक है, तब तक उसका पतन होता ही रहेगा। तो आगे भगवान बताते हैं नर्क के 3 द्वारों के बारे में। तो भगवान बोल रहे हैं कि नर्क के 3 द्वार होते हैं जो हमें नर्क की ओर ले जाते हैं, वो कौन से हैं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन आत्मना कामः क्रोधास तथा लोभा तस्मादे तत्त्रयम् त्यजेत। इस नरक के 3 द्वार हैं। सबसे पहला द्वार है नरक का काम, फिर है क्रोध, और फिर तीसरा द्वार है लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तो यहाँ पे जो नरक के द्वार बताए हैं, वो वाला नरक नहीं है, ठीक है, जो एक नरक पूरा अलग ही ग्रह है, वो वाला नरक नहीं है। यहाँ पे भगवान बता रहे कि एक नरक है, वो हमारे अंदर भी है, जो हमारी आत्मा का नाश करता है, हमारी आत्मा का पतन होता है जिससे। तो वो जो नरक है, उसके 3 द्वार है जो हमारी आत्मा को गिराता है, वो कौन से हैं, काम, क्रोध और लोभ, ठीक है। तो इस प्रकार भगवान बोलते हैं कि इनको त्यागो, है ना, तस्मात ए तक त्रियम त्यजेत, इन तीनों को त्यागो, ठीक है। एते विमुक्त कौन्तेया तमो द्वारे स्थिर निर्भरा आचर आचरत्यात्मना श्रेयस ततो याति पराम गति। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है, और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो अगर हम अपनी आत्मा को बचा सके नरक के 3 द्वारों के द्वारा पतन होने से, तो हम भगवान के धाम जाने के लिए जो दिव्य गुण है उनको उत्पन्न कर सकेंगे, उनको बढ़ावा दे सकेंगे, और हम उसके योग्य हो सकेंगे कि हम भगवान को प्राप्त कर सकें। अब असुरी लोगों का एक और लक्षण है, तो भगवान की निंदा करते हैं,
ठीक है, भगवान से ईर्ष्या करते हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या करते हो, एक और काम करते हैं। यह शास्त्र अविधि मृत्यु सज्जा वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करते हैं और मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, उसे ना तो सिद्धि न सुख ना ही परम गति की प्राप्त होती है। तो असुर लोग होते हैं वो भगवान की निंदा भी करते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो क्या करते हैं, शास्त्रों की भी निंदा करते हैं। जो बातें शास्त्रों में बताई गई है उनका भी खंडन करते हैं, उनकी भी निंदा करेंगे। तो दोनों ही सेम है, शास्त्रों की भी, अगर शास्त्रों की कोई निंदा करता है तो भगवान की निंदा के समान ही है। क्यों? क्योंकि शास्त्र क्या है, भगवान की वाणी। तो किसी के निर्देशों का पालन ना करना, उनका खंडन करना, एक तरह से उनका ही अपमान मान। तो असुर लोग भगवान के साथ साथ उनके जो निर्देश हैं शास्त्रों में दिए हैं, जो विधि है, उसका भी खंडन करते हैं, ठीक है, उसका पालन नहीं करते बिल्कुल। पता उन्हें होता है, जैसे रावण है, रावण को भी पता था ना वेदों का ज्ञान, तो लेकिन वो क्या करते हैं, उसका पालन नहीं करते अपने जीवन में, उसका खंडन करते हैं, ठीक है। तो ये आसुरी गुण है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यकार अव्यवस्थितो ज्ञात शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम हराहसि। अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो यहाँ पे भगवान ये नहीं बोल रहे आप अपनी मर्जी से कुछ भी करिए, ठीक है, तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि जो जो दैवी प्रकृति वाले लोग हैं, यानी जो भगवान के भक्त हैं, वो क्या करेंगे, शास्त्रों की विधि का पालन करते हैं। क्योंकि अगर हर चीज अपनी मर्जी से ही करनी होती तो फिर भगवान शास्त्र क्यों बोलते हैं, फिर भगवद गीता क्यों बोलते हैं, भागवतम क्यों बोलते हैं, भगवान इतने सारे शास्त्र क्यों दिए, ताकि हम उनका पालन करें, ठीक है। तो अगर हम भगवान की सेवा शास्त्रों के अनुसार करेंगे, जिस तरह भगवान ने बोला है, तो वो अच्छी विधि है, ठीक है। वरना अगर अपनी विधि से हम करेंगे तो वो क्या होगा, अपनी विधि से, अपनी बुद्धि से हम जो कार्य कर रहे हैं, हो सकता है वो सही हो या गलत, तो हमें नहीं पता। तो इसीलिए हमें क्या करना है, भगवान ने जिस तरह बोला है उस तरह हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। आपके घर में कोई मेहमान आता है तो ज्यादा अच्छा है कि आप उससे पूछ कर अगर उनकी सेवा करें कि आपको क्या पसंद है, कैसे हम आपको कुछ कर सकते हैं, तो वो ज्यादा अच्छी विधि है ना। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी उसको दे दें, हाँ वो भी ठीक है, लेकिन वो उतना सही नहीं है। इसीलिए भगवान बोले विधि विधानों का हमें पालन करना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र में कि भगवान स्वयं गुरु को स्वीकार करते हैं, है ना, संदीपनी मुनि के आश्रम में जाते हैं और शास्त्रों को पढ़ते हैं, गुरु को स्वीकार करते हैं। तो भगवान तो परम गुरु हैं, लेकिन उन्हें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हम लोगों को शिक्षा दे सके कि गुरु बहुत ही आवश्यक है और शास्त्र भी बहुत ही आवश्यक है, ठीक है, इसीलिए उनका अध्ययन करते हैं। तो भगवान स्वयं शास्त्र पढ़ते हैं, गुरु स्वीकार करते हैं, ताकि ताकि हम लोग सीख सके कि शास्त्र कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है और गुरु की महत्वता क्या है, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, तीन चीजों के संपर्क में हमेशा रहना चाहिए, सबसे पहले गुरु, फिर है साधु यानी भगवान के भक्त, और शास्त्र। इन तीन चीजों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए, और कोई भी अगर कार्य हम करते हैं तो इन्हीं के अनुसार हमें करना चाहिए, वरना क्या होगा, आसुरी गुण माना जाएगा, ठीक है। तो असुर लोग नहीं करते शास्त्रों के हिसाब से, वो अपने हिसाब से कार्य करते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि शास्त्रों को हम माने क्यों, तो इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, और कृपा जी भी यही बोलते हैं कि शास्त्रों में वे चार मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं। तो हमारा जो भौतिक ज्ञान है उसमें चार दोष पाए जाते हैं, लेकिन जो शास्त्र है उसमें वो चार दोष नहीं होते। तो चार दोष कौन से हैं वो हम बता चुके हैं। पहला है अपूर्ण इंद्रियां, यानी हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, उनकी एक सीमा है, आंखों की देखने की सीमा है, कानों की सुनने की सीमा है, और जो हमारा मुंह है उसकी बोलने की सीमा है। लेकिन जो शास्त्र है, जिसने शास्त्र लिखे हैं उसमें ये नहीं था, देखिए तो शास्त्र जो है भगवान का ज्ञान है और भगवान पूर्ण है, तो भगवान के अंदर ये दोष नहीं। दूसरा है कपटता, यानी किसी को धोखा देना, चीटिंग। तो हो सकता है किसी को ज्ञान सही हो, लेकिन वो किसी को धोखा भी दे सकता है, गलत चीजें लिख सकता है अपने मनोधर्म से, किसी को गलत ज्ञान भी दे सकता है, और ऐसा हुआ भी है। कई लोगों ने रिसर्च की तो गलत गलत चीजें उन्होंने जानबूझ के रखी, ठीक है, ताकि किसी को सही ज्ञान न मिल पाए। तो मनुष्य के अंदर ये प्रवृत्ति है धोखा देने की, चीटिंग करने की। उसके बाद है त्रुटि करना। तो हो सकता है वो शुद्ध हो, उसका मन शुद्ध हो, उसकी इंद्रियां भी ठीक ठाक हो, लेकिन हो सकता है वो उससे त्रुटि हो जाए, तो ऐसा होता भी है। ज्ञान सही है लेकिन उससे त्रुटि हो गई कोई। उसके बाद मोहग्रस्त होना, यानी धोखा खा जाना। तो हमारी इंद्रियां कभी कभी धोखा खा जाती है हमें, कभी 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 हमें जो रेगिस्तान है उसमें जल भी दिखाई दे सकता है, ऐसा होता है हमारे साथ। तो आपने देखे होंगे बहुत सारे इल्यूजन होते हैं,
तो इस प्रकार जो चार दोष है इससे हमें कभी भी शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं होता। लेकिन जो शास्त्र है वो भगवान की वाणी है, ठीक है, और भगवान इन चार दोषों से मुक्त है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए। इन चार दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतः विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्रों में होता है इन दोषों से परे होते हैं। सभी बड़े बड़े महात्माओं आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। तो जैसे सरकार है, तो सरकार ने कुछ नियम बनाए, आपको उसका पालन करना होता है। आप ये नहीं बोल सकते कि आज मैंने ये नियम बनाया, ठीक है, और अब सबको इसका पालन करना है, या फिर मैं अब इसका पालन करूंगा। जैसे कि सरकार ने बोला है कि बाईं तरफ चलना है आपको सड़क पे, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैंने एक नियम बनाया उसमें तो हमें टेढ़ा मेढ़ा चलना है सड़क पे। तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। ऐसा करोगे तो आपको क्या होगा, आपको पनिशमेंट मिलेगी। इसी तरह भगवान ने कुछ नियम बताए, ठीक है, किस तरह हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए शास्त्रों के हिसाब से। तो हम अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से हम नियम नहीं बना सकते, ठीक है, तो ये हमें समझना होगा। और आगे प्रभुपाद जी ये भी बोल रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े महात्मा हुए सबने यही किया, किसी ने अपना नियम नहीं बनाया, सबने शास्त्रों में जो नियम दिए उन्हीं का पालन किया। तो इसीलिए हमें उनसे सीखना चाहिए। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वह भाग्यशाली माना जाता है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के तीन गुणों से बनी है। इसके पूर्व की भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले मनुष्य को कम से कम सत्वगुण तक ऊपर उठना होता है। दूसरों के लिए यदि उपयुक्त तथा प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। तो हमने जब तीन गुणों के विषय में पढ़ा तो हमने चर्चा की थी कि अगर हम शुद्ध गुण में होते हैं और अगर हम सत्वगुण में होते हैं तो हम शुद्ध सत्व में जा सकते हैं, यानी तीनों गुणों से ऊपर हम उठ सकते हैं, ठीक है, आसानी से। तो हमें धीरे धीरे पहले प्रयास करना होगा कम से कम हम सत्वगुण में आए, क्योंकि सत्वगुण से भक्ति करना बहुत ही सरल हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद रूपा जी बोल रहे हैं, अगर उसके बाद उसको प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करना है तो इससे क्या होगा, गुरु की शरण में जब जाएगा तो दिव्य ज्ञान कैसे मिलता है, हमें गुरु के आशीर्वाद से ही मिल सकता है, ठीक है। तो सांसारिक ज्ञान की तरह नहीं होता कि आपने सुना और कुछ पैसे दे के सीख लिया, ठीक है। तो दिव्य ज्ञान कैसे मिलता है, हमें गुरु की शरण में जाके ही मिलता है। तो तभी भगवान बोले तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, गुरु की शरण में जाओ और उनसे प्रश्न करो, उनकी सेवा करो और वो तुम्हें दिव्य ज्ञान देंगे, ठीक है। तो इस तरह हमें क्या करना है, गुरु साधु और शास्त्र की शरण में जाना है, भक्तों के साथ रहना है, गुरु की शरण में जाना, शास्त्रों का अध्ययन करना है उनकी अध्यक्षता। तो इस तरह हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण मधुलिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे जी जैसे आपने बोला जो अर्जुन जो है भगवान जी की नित्य सखा है वो, तो जी वो जी तो क्या काम किए थे कि और जैसे उनका सखा बन पाए इस जन्म में, उनके जन्म में। जी 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 तो भगवान बोलते हैं भगवद गीता के चौथे अध्याय में बोलते हैं भगवान, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है मैं उसी भाव का उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। तो अगर कोई माधुर्य भाव में भगवान की भक्ति करता है, भगवान को अपना प्रेमी मानता है, तो भगवान उसी भाव में उसके साथ उस रस का आदान प्रदान करते हैं। जैसे कि जो मीरा है वो माधुर्य भाव में भगवान की भक्ति करती थी, ठीक है, भगवान को अपना प्रेमी मान के। और जैसे कि फिर अलग अलग रस होते हैं, जैसे कि वात्सल्य रस है, तो जो माता यशोदा है या कौशल्या है या देवकी, तो ये क्या करती है, कृष्ण को वात्सल्य रस में उनकी भक्ति करती है। तो अर्जुन ने किस रस में भक्ति की होगी, वो भगवान के सखा बने, साख्य रस में, ठीक है। एक और रस होता है साख्य रस, तो पांच तरह के रस होते हैं। तो अगर कोई भगवान की साख्य रस में भक्ति करता है तो भगवान का सखा बन जाता है, ठीक है। इसीलिए भगवान को रसराज भी बोला गया है, भगवान कृष्ण रसराज है, उनसे आप अलग अलग रसों में जुड़ सकते हैं, ठीक है। जी हरे कृष्ण। जी साख्य रस होता है, शांत रस होता है, दास रस होता है, ओके, वात्सल्य और माधुर्य। जी हरे कृष्ण, शकुंतला माता जी, हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता ये जी। तीसरे अध्याय में कहा गया है कि प्रभु प्रसाद खाने से
सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। जी 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 तो इससे क्या भाव है कि पर प्रसाद जो कुछ भी भोजन के रूप में खाने को मिलता है उससे? नहीं नहीं प्रभु प्रसाद यानी भगवान को अर्पित, वहां पे भगवान बोल रहे ना यज्ञ शिष्टा सिंहासन, तो यानी अर्पित करके जो बच जाता है भगवान वो अगर हम खाते हैं तो उससे हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, मुच्चिंत सर्व किल विषय, तो उसमें ऐसा आता है तीसरे अध्याय। भगवान तो खाते ही नहीं है, अर्पित करते हैं तो भगवान तो खाते नहीं ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, 9वें अध्याय पढ़िए ना, भगवान क्या बोल रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो मे भक्त्या प्रेक्षति तदा हम भक्ति प्रथम अश्नामी प्रयात्मना, भगवान बोले मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन भगवान ने 2 बार बोला इसमें भक्ति शब्द, लेकिन उसमें प्रेम और भक्ति होनी चाहिए। ठीक है, भगवान खाते हैं, भगवान ने स्वयं बोला है और भगवान झूठ नहीं बोल सकते हैं। नहीं नहीं वो तो है जी जी हमारे समझने में जी जी हमारे समझने में गलती हुई है, तो भगवान ने स्वयं बोला है भगवद गीता के 9वें अध्याय में, मैं ग्रहण करता हूँ खाता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि, और मैंने समझाया भी था 9वें अध्याय में, भगवान को खाने के लिए निगलने की जरूरत नहीं होती किसी भी चीज को, भगवान केवल उसको देख के ही खा सकते हैं। अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंती, एक अंग से किसी भी अंग का कार्य भगवान कर सकते हैं। ठीक है, तो भगवान को हमारी तरह उसको निगलने की जरूरत नहीं है खाने के लिए। हाँ भगवान करते हैं लीलाएं, कभी कभी निगल भी सकते हैं, किसी भी अंग से कोई भी अंग का कार्य कर सकते हैं भगवान, भगवान पूर्ण है परफेक्ट, हमारी इंद्रियां हम एक इंद्रिय से दूसरी इंद्रिय का कार्य नहीं कर सकते लेकिन भगवान कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा ब्रह्मा जी बोलते हैं खुद। तो आप 9वां अध्याय पढ़िए, उसमें हमने इस पर बहुत चर्चा की इस टॉपिक पे कि भगवान खाते हैं कि नहीं, और खाते हैं तो फिर भोजन खत्म क्यों नहीं होता, ऐसे भी हमने बहुत चर्चा की। तो अगर आपको साक्षात लीला देखनी है भोजन के खाने वाली, तो अभी भी कैसे कई विग्रह हैं, जैसे जगन्नाथपुरी है वहां पे तो भगवान के भोग चढ़ता है, वहां पे बहुत लीलाएं चलती है भगवान की भोग की, वहां पे आप साक्षात देख भी सकते हो लीला। जैसे आप निधिवन में भी जाएंगे तो निधिवन में सुबह पान खाया हुआ मिलता है, आप पान रख देते हैं वहां पे, रात को ताला लगा देते हैं, पान खाया हुआ मिलता है। ठीक है, तो भगवान लीलाएं करते हैं ऐसी, खाते भी हैं, प्रत्यक्ष रूप से भी खाते हैं और देख के भी खा सकते हैं भगवान, तो ऐसे बहुत सारी लीलाएं। जी माता जी, हरे कृष्णा मधु माता जी, आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं आप, जैसे गन्ने के रस से समझाया आपने, बहुत अच्छे लगते हैं आपके उदाहरण सब। सब प्रभुपाद जी के उदाहरण है माता जी, सब प्रभुपाद जी ने अपनी बुक्स में दिए हैं, बस हम उन्हीं को बोल देते हैं। जी जी नहीं बहुत अच्छा लगता है आपका सुनना। और मेरा एक पर्सनली क्वेश्चन है कि जैसे माला एक दिन छूटती है तो अपन दूसरे दिन पूरी करने की कोशिश करते हैं जितने छूट गए, यदि मान लीजिए 8 दिन छूट जाए तो फिर क्या करना चाहिए? जी माता जी, तो हम धीरे धीरे उसको रिकवर कर सकते हैं अगर किसी कारणवश छूट जाए तो। वही तकलीफ जैसे बीमार है मैंने, मतलब 1-8 महीने की भी छूट जाए तो फिर जैसे 8 में से 5 ही कर पा रहे हैं, 4 ही कर पा रहे हैं 16 में से, तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? वो बड़ी दुविधा में है क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है अभी। पहले मैं लेट के भी कर रही थी, बैठ के भी, चल के जैसे बन रहा था कर रही थी, अब लेकिन कुछ ऐसी दिक्कत हो रही है कि माला 4-5 बड़ी मुश्किल से कर पा रहे हैं। जी माता जी, कोई बात नहीं, अभी आप कर रहे हैं तो अगर कोई विषम परिस्थिति में भगवान का नाम लेता है तो उसका लाभ जो नॉर्मल परिस्थिति है उससे कई ज्यादा होता है। जैसे विभीषण है, विभीषण लंका में भगवान का नाम ले रहे थे और हम यहाँ पे अगर भगवान का नाम ले रहे हैं, दोनों में अंतर है। अगर हम यहाँ पे 1000 माला भी कर लें और विभीषण वहां पे 1 माला भी कर लें, बराबर है ना, उनके असुरों के बीच में रह गए, तो जो कठिन परिस्थितियों में भगवान का नाम ले रहा है वो बहुत ज्यादा मान, वो उसका लाभ उसको बहुत ज्यादा मिलेगा। तो आप बस यही दुख होता है कि 16 नहीं कर पा रहे हैं ना, 16 नहीं कर पा रहे। हाँ कोई बात नहीं माता जी, आप कठिन परिस्थिति में अगर आप इतना भी कर रहे हो तो बहुत है, लेकिन आप प्रयास करिए, जब आप सही हो जाए तो आप और ज्यादा करिए। हाँ कोशिश पूरी कर रहे हैं जी, लेकिन क्या तकलीफ में नहीं हो पा रही है, तो वही चिंता लग रही थी कि ये छूट जाएंगी तो क्या करेंगे फिर। जी जी नहीं जी 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 माता जी, कोई बात नहीं, आप जब सही हो जाएंगे तब आप और अच्छे से करना। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। जी माता जी धन्यवाद, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। ओके, अभी हम चैट में भी कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। युक्त वैराग्य क्या है? युक्त वैराग्य, युक्त वैराग्य मतलब है जैसे कि 2 तरह के संन्यास होते हैं, एक तो होता है कि छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, मतलब सब चीज आपने छोड़ दी, सब चीज माया है और आप एकांत में चले गए, तो एक वैराग्य वो होता है। एक होता है युक्त वैराग्य, या जिसको वैष्णव वैराग्य भी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ कुछ भी छोड़ते नहीं है, सब चीज भगवान से जोड़ते हैं,
तो आप देखेंगे इस कौन में जो सन्यासी है, उन्होंने वास्तव में कुछ छोड़ा नहीं है, सब चीज भगवान से जोड़ी है। तो मंदिर में सब चीज भगवान की सेवा में हो रही है, जैसे अभी आप देख रहे हैं लैपटॉप है, इसको छोड़ा नहीं है ना। एक तरीका है मैं इसको छोड़ दूं माया बोल के, ये तो माया है। दूसरा तरीका है मैं इसको भगवान की सेवा में लगाऊं, ठीक है, इससे सबको भगवान से जोड़ूं, तो इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य, सारी चीजें भगवान की सेवा में लगाना, है ना। धन अगर उसके पास है तो भगवान के लिए अच्छे अच्छे मंदिर बनाना, भगवान के लिए अच्छे अच्छे भोग लगाना, तो कोई भी चीज छोड़ता नहीं है जो भगवान का भक्त है, वो सारी चीजें भगवान से जोड़ता है, तो इसको युक्त वैराग्य बोलते हैं। ओके, अनीता माता जी बोलिए, कैसे डिसाइड करेगी हम किसको गुरु माने? जैसा मुझे लगता है कि गुरु उन्हें मान सकते हैं जिनकी हर बात पे बिलीव कर सके, बट इट डज नॉट हैपन। नहीं माता जी, ऐसा नहीं है, हम अपने मन से किसी को गुरु नहीं मान सकते कि हमें लगा कि ये सही बोला, ऐसे तो फिर चीटिंग हो जाएगी हमारे साथ। जैसे कि आपको हमने चौथे अध्याय में बताया था इसके बारे में, है ना, कि आपको अगर कुछ कोर्स करना होता है, कुछ पढ़ाई करनी होती है, तो आप क्या देखते हो सबसे पहले कि जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो या जिस इंस्टीट्यूशन में आप जा रहे हो कि वो प्रमाणिक है कि नहीं, सबसे पहले हम ये देखते हैं, ठीक है, ये ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं, है ना, बोनाफाइड है कि नहीं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जहाँ हम ज्ञान ले रहे हैं जिस जहाँ से, तो वो जो चार संप्रदाय पद्म पुराण में बताई गई है शास्त्रों में, क्या वो उनमें आ रहा है कि नहीं। और मैंने चार संप्रदाय कौन सी है उनके बारे में आपको बताया था, चार प्रमाणिक संप्रदाय। तो अगर कोई चार प्रमाणिक संप्रदाय में आ रहा है, है ना, तो उनको आप अपना गुरु चुन सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं चुन सकते हम गुरु। तो कोई प्रमाणिक संप्रदाय में अगर है, उससे आप जुड़े हैं, तो उनको आप गुरु चुन सकते हैं, ठीक है। वरना कई लोग यूट्यूब पे सुन लेते हैं किसी को कहीं सुन लेते हैं, उनको लगता है कि जो ये बोला है सही है, तो ऐसे नहीं करना, हमें गुरु देखना है तो प्रमाणिक संप्रदाय में होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप चौथे अध्याय की रिकॉर्डिंग देखिए, उसमें हमने विस्तार से बताया कि गुरु कैसे चुने और गुरु की आवश्यकता क्यों है। पांच भाव क्या क्या हैं, मधुलिका माता जी बोलिए, पांच रस होते हैं भगवान से जुड़ने के। तो सबसे पहले है माधुर्य रस प्रेमी के रूप में, फिर है वात्सल्य रस यानी भगवान से जैसे भगवान का तो बच्चा मानना, है ना, या तो उनके पिता के रूप में मानना, तो जैसे बलराम जी है वो छोटा भाई मानते हैं, और जैसे यशोदा माता है वो छोटे बच्चे के रूप में, और जैसे कौशल्या माता दशरथ, तो ये सब भगवान को बच्चा मानते हैं, वात्सल्य रस में भगवान से जुड़े, ठीक है। और उसके बाद आता है साख्य रस, भगवान को अपना मित्र मानना, जैसे कि अर्जुन हो गया, सुग्रीव हो गया, ठीक है, इस तरह ये लोग भगवान को अपना मित्र मानते हैं। उसके बाद आता है दास्य रस, भगवान को अपना स्वामी मानना, ठीक है, दास के रूप में सेवा करना भगवान की। तो दास्य रस में कौन आता है, दास्य रस में हनुमान जी आ गए, ठीक है, तो इस तरह। और फिर एक जो अंतिम रस है शांत रस, शांत रस मतलब चुपचाप भगवान की लीलाएं देखना और उनका आनंद लेना, किसी भी रस में नहीं जुड़ना। तो इसमें आगे जो जितने भी पेड़ पौधे हैं वृंदावन में, भगवान के धाम में जितने भी पेड़ पौधे हैं, वो किसी भी रस में नहीं है ना, वो चुपचाप भगवान की लीला देखते और उसका आनंद लेते हैं। पेड़ पौधे हो गए, नदियां होंगी, और जो पशु पक्षी हो गए, वो जैसे कि मोर हो गया, हिरन हो गए, ये सब किस में, ये सब शांत रस में भगवान की लीला देखते हैं और खुश होते हैं दूर से, है ना। और इस तरह अलग अलग रस हैं, ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे एडवांस लेवल में, या फिर जब आप भागवतम वगैरह पढ़ेंगे उसमें भी आ जाएगा। ओके, तो शायद अब किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो आज का अध्याय हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे। हरे कृष्णा गुरु, हरे कृष्णा, धन्यवाद आप सभी का, हरे कृष्णा।